नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका smartchamushi.com पर। मैं माधव सक्सेना आज आपसे बात करने वाला हूँ कैरियर काउंसलिंग से जुड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडियो जॉकी के बारे में, 93.5 रेड एफएम रौनक के साथ सुन रहे हैं आप मॉर्निंग नंबर वन, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान का जो दौर है वो एक मनोरंजन का व्यवसाय बहुत तेजी से इस दौर में उभर कर आ रहा है। मनोरंजन की इसी बढ़ती मांग के कारण देश में और शहरों में, कस्बों में, गांव में रेडियो यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशनों की पार सी आ गई है। बहुत सारे रेडियो स्टेशन, एफएम स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आज अपना अपना कैरियर बना सकते हैं। इन रेडियो स्टेशनों पर अलग अलग कार्यक्रम के तहत 24 घंटे नए पुराने गाने बजते रहते हैं। लेकिन एक खास बात इन सभी प्रोग्रामों में रहती है कि एक अलग ही अंदाज आज आपको इन रेडियो चैनल्स पर, एफएम चैनल्स पर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें बात करते हैं कार्यक्रम को पेश करने वाले जो रेडियो जॉकी होते हैं यानी जो आरजे जो होते हैं वो कहलाते हैं इस क्षेत्र के धुरंधर। रेडियो जॉकी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि नाम, शोहरत और पैसा तीनों ही चीजें आपको भरपूर रूप से मिल सकती हैं। यहाँ मौज मस्ती और ग्लैमर के साथ साथ नाम रोशन करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। इस क्षेत्र में जो आपको चाहिए वो है आपकी आवाज़ और क्रिएटिव दिमाग। जिन लोगों के पास क्रिएटिव दिमाग और आवाज़ का संगम है वो लोग इसमें अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कैरियर आगे बना सकते हैं। स्वागत है आपका। आज मेरा स्वागत नहीं करोगे यार? अपनों का कभी स्वागत किया जाता है? अपने तो बस अपने होते हैं। हर बारी प्रैंक करने के लिए आपको एक नाम बदलना पड़ता है, एक आवाज बदलनी पड़ती है। सो इन दैट पर्टिकुलर प्रैंक वी सेड कि यार क्या नाम लें, तो ही सेड चिन्नू, मिन्नू, पीकू, बउआ। आई सेड बउआ, ओके, आवाज कैसे होगी? हेलो, 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 हाँ दिस वन, लास्ट वन, ठीक है, विद हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ इससे एक बार ट्राई करते हैं एंड देन वी स्टार्टेड एंड देन। विश्व के पहले एफएम रेडियो स्टेशन W1X ओजे की शुरुआत दोस्तों अमेरिका से हुई थी। साफ आवाज, अच्छा प्रसारण, सुलभ सेवा की वजह से यह लोकप्रिय चैनल धीरे धीरे होता चला गया। भारत में हम बात करें तो एफएम की क्रांति की शुरुआत 90 के दशक से हुई। आरंभ में तो इसका प्रसारण केवल चार बड़े महानगरों में ही होता था, परंतु वर्तमान में देश के छोटे से छोटे कोने में, कस्बों में, गाँव में, शहरों में इसकी पहुंच हो चुकी है। तो रेडियो सरकार द्वारा अनुमति बहुत सारे चैनल को प्रदान की गई है, इसमें कि मुख्य तौर पर हम आपको बता रहे हैं जैसे कि माई एफएम हो गया, रेड एफएम हो गया, बिग एफएम हो गया, रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी आदि बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं जिनको आप अपने मोबाइल पर या फिर अपने रेडियो पर सुनते हैं। इसलिए जो बहुत सारे जो चैनल्स हैं उसमें होने की वजह से उनमें रोजगार के बहुत सारे सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं। इस पेशे की खास जो जादू है वो है लोगों को आवाज होनी चाहिए जो कि आपको दीवाना बना दे। आरजे यानी रेडियो जॉकी का दायित्व तो सीधे सीधे श्रोताओं से तारतम्य बैठाना होता है, यानी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना होता है, वो टूटे नहीं लगातार आपको सुनते रहे। तो इसमें एक खूबसूरत जो जॉकी का काम होता है वो एक कार्यक्रम को खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करना होता है। कार्यक्रम को प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग नंबर वन, इंडिया का आरजे नंबर वन रौनक प्रस्तुत कर रहा है माता की भेंट नंबर वन। कि अगर माता का ईमेल सचमुच आया तो दिल्ली वालों से वो क्या बोलेंगी? कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। और आपकी इस क्षेत्र में कोई खास शैक्षिक योग्यता की भी डिमांड नहीं है, बस आपको इस क्षेत्र में पूरा ज्ञान और निपुणता होनी चाहिए। आपको सामान्य हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपकी वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, पर आपका उच्चारण जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत सटीक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए रेडियो जो कि श्रोताओं को किसी कार्यक्रम को कार्यक्रम से बांधे रखता है और उसे टूटने कार्यक्रम को टूटने नहीं देता। संगीत और विभिन्न विधाओं की जानकारी अगर आपको है और कुछ ऑडियो एडिटिंग के आप सॉफ्टवेयर जानते हैं तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और कम से कम आप अपने 12th के बाद से इस क्षेत्र में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं।
जुड़ सकते हैं इस फील्ड से। रेडियो स्टेशन पर स्थानीय परिस्थितियों एवं वहां की परंपराओं, नवीन समसामयिक घटनाओं की जानकारी व स्थानीय भाषा का ज्ञान भी आपको कुछ रेडियो चैनल्स में मांगा जाता है, जो कि स्थानीय लोकल चैनल्स हैं। अगर आजकल ऐसे कार्यक्रम काफी प्रचलन में हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, जैसे कि फोन पर बात करना या बहुत तरीके के ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि लाइव प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं। कई बार तो प्रोग्राम लाइव होते हैं, लेकिन रेडियो जॉकी में इस तरीके की क्विक रिस्पॉन्स की क्षमता आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। रेडियो जॉकी में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर मायने रखता है, क्योंकि इसके द्वारा वह गंभीर माहौल को भी हल्का फुल्का बनाने की काबिलियत अगर आप में है तो ये गुण बहुत ही ज्यादा उम्दा रहता है। रेडियो जॉकी का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उसकी आवाज का प्रस्तुतिकरण। रेडियो के शब्दों के अनुरूप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव पैदा करने की कला और रोचक ढंग से बोलने का गुण आप में होना चाहिए। और जो नियमित रूप से एफएम रेडियो सुनते हैं वो जानते हैं कि एक रेडियो जॉकी अपनी अलग अलग स्टाइल्स, अपनी अलग अलग वोकल्स बोलने के तरीके से आप में एक अलग तरीके का एक इफेक्ट पैदा करता है। तो अगर आपके अंदर ये कला है तो आप रेडियो जॉकी में एक अलग ही पहचान बनाएंगे और सबसे अलग भीड़ में हट कर दिखेंगे। इसलिए आपके अंदर आवाज में बोलने की कला है तो बेहतरीन आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं और अपने श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम की स्क्रिप्ट हो यह संभव नहीं, खुद अपने तरीके से लाइव प्रोग्राम अगर आप हैंडल करने की आपके अंदर क्षमता है तो आप इसमें एक बेहतरीन करियर चुन सकते हैं। रेडियो जॉकी बनने के लिए कोई विशेष योग्यता, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई विशेष योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन 12वीं पास से इस क्षेत्र में आप अपनी किस्मत जरूर आजमा सकते हैं। हालांकि सरकारी रेडियो प्रसारण केंद्रों पर रेडियो जॉकी के लिए कम से कम स्नातक होना अनिवार्य है और उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन एक प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन के लिए कोई योग्यता मायने नहीं रखती, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको अपने फन में माहिर होना चाहिए। एक रेडियो जॉकी के लिए शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, धारा प्रभाव, उसको किसी भी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि जो रेडियो जॉकी की श्रोता से सीधे मुखातिब हो सके और अपनी बातचीत से श्रोताओं को हम कन्फ्रेंस कर सके, मंत्रमुग्ध कर सके। एफएम चैनलों की संख्या लगातार बढ़े जाने से रेडियो जॉकी की कमाई पहले की तुलना में दोस्तों काफी बढ़ चुकी है। तो आप ये ना सोचें कि इस क्षेत्र में काफी अर्निंग है, कम अर्निंग इसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं सरकारी रेडियो स्टेशन जॉकी की, तो स्थायी रूप से अगर आपको वहां पर जॉब मिलती है तो 25 से 30 हजार रुपए आपको घर रेडियो जॉकी के माध्यम से मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट चैनलों में कुशल रेडियो जॉकी की बात करें तो 25 से 45 हजार रुपए आपकी मंथली इनकम हो सकती है। रेडियो जॉकी के रूप में वॉइस ओवर एडवर्टाइजमेंट, जिंगल्स के तौर पर टेलीविजन चैनल, कॉर्पोरेट घराने के लिए प्रोग्राम पेश करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देश में रेडियो जॉकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुहैया कराने के लिए बहुत कम संस्थान है, इसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं और आप इसमें डिग्री और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। एक सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर आपको दोस्तों इसमें एक साल तक के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तक आपको मिल जाएंगे, जिसकी इसके अलावा अल्प अवधि के क्रैश कोर्स के उम्मीदवारों के लिए भी काफी उपयोगी रहते हैं, जिसे करने से इस क्षेत्र में पदार्पण किया जा सकता है। इस तरह की शिक्षा हासिल करते समय एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि प्रशिक्षण संस्थान में केवल दाखिला मिल जाने से, केवल डिग्री लेने से रेडियो जॉकी नहीं बना जा सकता, क्योंकि निरंतर अभ्यास और अनुभव से ही इस क्षेत्र में नाम और दाम दोनों कमाया जा सकता है। इस क्षेत्र में अगर मैं आपको कुछ प्रमुख संस्थान बता रहा हूँ जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला संस्थान है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली, और JBL इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मुंबई का है, स्कूल ऑफ मीडिया एक्टिविटी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पुणे में है, मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन मुंबई। इसके अलावा भी देश में अन्य संस्थानों में भी आप बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस हैं जो कि इससे संबंधित कोर्स
कराते हैं। आप इस क्षेत्र में अपना नाम जरूर करें, क्योंकि ये इसमें नाम, शोहरत, पैसा सभी कुछ आपको मिलेगा। हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं माधव सक्सेना, बहुत बहुत धन्यवाद।